गरीब भाई की अमीर बहन। किशोर और पिद्दी दो भाई बहन थे। पिद्दी बहुत खर्चीले स्वभाव की थी। वो जितना कमाती अपने ऐशो आराम में पैसे उड़ा दिया करती। लेकिन किशोर समझदार था, घर को साथ लेकर चलना जानता था। अपनी बहन के जितना कमाता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह घर का खर्च चला लेता था। एक दिन पिद्दी किशोर से कहती है, किशोर तुम थोड़ा ज्यादा क्यों नहीं कमाते? मेरे दोस्त रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे बहन, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, अगले महीने रक्षाबंधन है, मुझे सोने का हार चाहिए, इससे कम कुछ भी ना लूंगी। अरे दिला दूंगा बहन। किशोर को पूरी रात नींद नहीं आती। उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि उसकी माली हालत इतनी बिगड़ चुकी है, अब वो सोने का हार कहाँ से लाएगा। अगले दिन किशोर सुबह सुबह घर से ये बोलकर निकल गया कि पिद्दी, मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन घर नहीं आऊंगा। किशोर ने अपने काम के साथ साथ फेरी में कपड़े बेचने भी शुरू कर दिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। रात में वो एक बिल्डिंग की चौकीदारी भी करने लगा। अपने काम से थोड़ा बहुत समय निकाल कर बस कुछ घंटे की नींद ले पाता था। और कब वो कुछ दिन एक महीने में बदल गए और रक्षाबंधन भी आ गया, पता ही नहीं चला। लेकिन किशोर अभी तक घर वापस नहीं लौटा। जहां वो काम करता था, पिद्दी के नाम का गुल्लक रखा हुआ था। किशोर ने उस गुल्लक को फोड़ा और सारे पैसे इकट्ठा करके एक सोने का हार खरीद लिया। घर में पिद्दी किशोर का इंतजार कर रही थी, तभी किशोर आता है। कहाँ चले गए थे? 4 दिन का कहा था और 1 महीने से पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। मैंने बस एक हार मांगा था और तुमने तो घर ही छोड़ दिया। अरे मुझे थोड़ा काम मिल गया था। कुछ नहीं, सब समझती हूँ, बहाने थे तुम्हारे। अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते, कैसे भाई हो? चलो यहाँ बैठो, राखी बांधती हूँ। पिद्दी ने किशोर को राखी बांधी। वैसे ही किशोर ने अपनी बहन के हाथ में सोने का हार रख दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मिठाई खिलाए बिना ही नेकलेस लेकर चली गई और शीशे के सामने अपने गले में हार रखकर देखने लगी। किशोर ने लड्डू उठाया और खुद ही खा लिया। ऐसे कई साल गुजर गए। एक दिन पिद्दी की नौकरी छूट गई। अब वो पूरी तरह किशोर पर डिपेंड हो गई थी। आए दिन किशोर को अपने महंगे महंगे शौक गिनाकर उससे पैसे मांगा करती थी। किशोर कुछ पैसे देना, मुझे पार्लर जाना है। किशोर बिना कुछ बोले उसे पैसे दे देता। ये क्या, 500? अरे इतने में तो मुझे पार्लर में एंट्री मिलेगी बस। अच्छा देता हूँ ना ज्यादा। अरे कैसे भाई हो, अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। किशोर ने जेब से 2000 का नोट निकाला और उसे दे दिया। किशोर गरीबी में रह लेता था, लेकिन अपनी बहन को कभी कोई कमी नहीं होने देता था। बेटा, पिद्दी तुम्हारी बहन है, उसे कभी किसी चीज की कमी मत होने देना और उसका ध्यान रखना, क्योंकि भाई का फर्ज होता है अपनी बहन का ध्यान रखना। किशोर ने माँ की कही ये बात हमेशा के लिए याद कर ली थी। शायद माँ की इसी बात की वजह से किशोर पिद्दी की हर जिद पूरी करता चला आ रहा था। किशोर आज मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे दो ना। किशोर पिद्दी को समझाता है, लेकिन पिद्दी नाराज होकर चली गई और अपने कमरे में सुबक सुबक कर रोने लगी। किशोर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और पिद्दी को दे देता है। किशोर खुद कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनता, लेकिन पिद्दी को राजकुमारी की तरह रखता। पिद्दी के जाने के बाद किशोर अपने काम पर निकल गया। एक तरफ पिद्दी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ किशोर पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। कुछ और दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन पिद्दी एक लड़के को लेकर घर आई और उसे किशोर से मिलवाया। किशोर मुझे इस लड़के से शादी करनी है, लेकिन इनके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि उनको दहेज में एक कार चाहिए, तभी वो मेरा और पंकज का रिश्ता कबूल करेंगे। लेकिन बहन, कार खरीदना कोई सब्जी खरीदने के बराबर तो नहीं है। अरे कैसे भाई हो तुम, अपनी बहन के लिए इतना नहीं कर सकते? देखो मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें 1 साल में मेरे लिए कार खरीदनी ही होगी। अच्छा पंकज, एक काम करो, कल तुम अपने माता पिता को घर बुला लो, मैं उनसे तुम्हारे और पिद्दी के रिश्ते की बात कर लेता हूँ। अगले दिन किशोर के छोटे से घर में पंकज और उसके माता पिता आते हैं।
बेटा, तुम्हारी बहन ने हमारी शर्त तो बता ही दी होगी। जी बेटा, तुम तो इतने छोटे घर में रहते हो, दहेज कहाँ से लाओगे? मैं अपनी बहन की खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। पंकज और पिद्दी का रिश्ता तय हो जाता है। किशोर अब अपनी क्षमता से 4 गुना ज्यादा काम करने लगता है। सुबह सबके घरों में न्यूज़पेपर फेंकता, दिन में मजदूरी करता और रात में चौकीदारी करता। खूब मेहनत करके किशोर ने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जुटा लिए। उसने अपनी बहन के लिए कार खरीद ली। जब वो पिद्दी के ससुराल वालों से मिलने गया तो उन्होंने किशोर से और पैसों की मांग की। इस बार किशोर हार चुका था। पिद्दी, पिद्दी माफ करना, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं कर सकता। वो लालची लोग हैं, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। देखो किशोर, मैं पंकज से ही शादी करूंगी। क्योंकि पिद्दी ने तो किशोर की बात न मानने की जैसे कसम खा रखी थी। किशोर ने पंकज को घर बुलाया। पंकज, तुम अपने माता पिता को समझाते क्यों नहीं हो? भैया, वो हमारी शादी के लिए मान गए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। हम एक काम कर सकते हैं, दहेज की रकम में से कुछ पैसे मैं आपको दे देता हूँ। अरे लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे? अरे जब दुनिया को पता चलेगा तब ना। अच्छा, कुछ पैसे मैं अपने मालिक से कर्ज में ले लेता हूँ। कुछ पैसे पंकज देता है, कुछ वो कर्जा लेता है और अपनी उम्र भर की कमाई वो अपनी बहन की शादी में लगा देता है। आखिर में पंकज और पिद्दी की शादी हो जाती है। पिद्दी की विदाई के बाद किशोर बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अब उसका कमाने में भी मन नहीं लगता। उधारी वाले रोज घर में आकर बैठ जाते हैं। अरे किशोर, अब तो पिद्दी की शादी को 5 साल हो गए, अब तो हमारा पैसा लौटा दो। चाचा, पिद्दी के जाने के बाद किसी भी काम में मन नहीं लगता। अरे तो हमारा पैसा कैसे वापस मिलेगा? जी कुछ करता हूँ मैं। किशोर के ऊपर बहुत सा कर्जा चढ़ गया था, इसलिए उसने तय किया कि वो ये घर बेचकर सबके पैसे लौटा देगा। अगली सुबह शहर के किसी साहूकार को उसने अपना घर बेच दिया और सबके पैसे लौटा के वो गांव छोड़कर चला गया। पिद्दी ने शादी के बाद कभी अपने भाई का हाल तक नहीं पूछा। किशोर को फर्क नहीं पड़ता था, बस ससुराल में उसकी बहन खुश है ये जानकर उसे खुद की खुशी मिलती थी और ये सोचकर कि उसने माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया।